Hey guys, this is Kinnari Singh and a warm welcome to Glitz Vision USA. Star Plus का शो गुम है किसी के प्यार में लेगा 20 साल का लीप और लीप के बाद एक्टर्स नील भट्ट, आयशा सिंह एंड हर्षद अरोरा ये तीनों ही इस शो को अलविदा कह देंगे। ये बात खुद गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स ने कंफर्म की है। वेल साथ ही साथ रूमर्स ये भी थे दैट द रीजन ये तीनों एक्टर्स इस शो को क्विट कर रहे हैं और लीप के बाद ये शो का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तीनों जो है वो ग्रोन अप किड्स के माँ बाप प्ले नहीं करना चाहते थे, और दूसरा ये बताया जा रहा था कि जब इन तीनों को बताया गया दैट देयर वुड बी अ जनरेशन लीप, तो तीनों ने एक फीस को हाइक करने के लिए डिमांड किया जो कि मेकर्स नहीं चाहते थे उनकी फीस हाइक करना। एंड दैट इज द रीजन मेकर्स ने डिसाइड किया कि इट इज बेटर कि तीनों ही मेन लीड्स को जो है शो से अलविदा कह दिया जाएगा और एक कम्प्लीटली नए कैरेक्टर्स को और नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन जब एक मीडिया पोर्टल ने ये बात आयशा सिंह से पूछी तो आयशा ने कहा कि ये सब कुछ बेसलेस रूमर्स है। लीप सिर्फ इसीलिए शो में आ रहा है क्योंकि शो को एक नए स्टोरी की और नए कैरेक्टर्स की ज़रूरत है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो भी बातें चल रही हैं नेगेटिव, वो सारी की सारी झूठ है। यानी आयशा ने कंफर्म कर दिया है कि लीप डेफिनेटली आने वाला है। आप हमें ज़रूर बताइए कि आप अपने प्यारे नील, आयशा और हर्षद को कितना ज़्यादा मिस करोगे इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो डू यू थिंक कि क्या इस शो को लीप की ज़रूरत थी, बिकॉज करंट स्टोरी ट्रैक के हिसाब से भी शो कॉन्स्टेंटली टीआरपी में नंबर वन और नंबर टू के पोजीशन में है। तो जब शो इतना अच्छा चल रहा है, क्या ऐसे में पूरी तरह से एक्टर्स को बदल देना, ट्रैक को बदल देना, स्टोरी लाइन को बदल देना, ये कितना सही या गलत है? आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और ऐसी अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए ग्लिट्ज़ विजन यूएसए को। हाय, दिस इज दिव्यांका त्रिपाठी दहिया एंड यू आर वॉचिंग ग्लिट्ज़ विजन यूएसए। कीप वॉचिंग।